गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं पहुंची हूँ अपने गौशाला के पास और ये देखिए हमने सुबह कुछ घास लाया था यहाँ पे। ये देखिए हम ना घास घासनी से लेके आए थे सूखा घास, और हम इसको अभी ऊपर छत पे रख देंगे, छत में यानी गोइनी की छत में रखेंगे। और ये मेरी गाय, इसको लगी है भूख, ये खा रही है घास। हेलो, आज अच्छा और ये रहा साथ में ही मेरा दूध का डब्बा और गाय के दाले का डब्बा, और कुछ अंदर भी रखा है घास। ये हम ना घासनी से ढोके लेके आए हैं। अब इसको हम ना ये जो इसको ना हम अपनी लोकल भाषा में इसको हम टाड़ा बोलते हैं, टाड़ा यहाँ पर ऊपर रखेंगे। कुछ एक पहले का घास भी है इसमें, उसको निकाल के अब ये जो हम लाए हैं घास इसको रखेंगे, क्योंकि ये जो पहले का घास होता है इसमें थोड़ी धूड़ जमी होती है, इसलिए इसको बाहर झाड़ के रखना पड़ता है। फिर अंदर थोड़ी देर के बाद युग वापस आएगा, युग गया है राशन लाने डिप्पू से। और ये देखो ये किस तरह घास खा रही है, इसको अभी मैंने अंदर से बाहर निकाला है, क्योंकि अंदर रखेंगे ना छत में तो ये पूरी कूड़े के साथ भर जाएगी, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। बाकी बातें बाद में करती हूँ, पहले मैं छत में जाने के लिए रेडी होती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना पूरा ये मुंह है ना कवर करना पड़ेगा दुपट्टे के साथ, और पूरा सिर भी, क्योंकि इसमें घास में बहुत ज़्यादा धूड़ होती है तो नाक और मुंह में चला जाएगा धूड़ा, इसलिए मैं इसको पूरा कवर कर लूँगी अपना नाक और मुंह, और उसके बाद बात करती हूँ आपके साथ। ये देखिए इस तरह कवर करूंगी मैं अपना मुंह, या तो पूरी डाकू की तरह। ये देखिए डाकू की तरह कवर कर लिया मैंने अपना मुंह, मैं पूरा डाकू बन गई हूँ। ये देखिए अभी चलती हूँ छत में, बाद में बात करती हूँ आपसे छत से नीचे उतर के। मैंने ना छत पे घास रख लिया है, अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि आज मेरा माँ शुक्रवार है और आज वैभव लक्ष्मी का व्रत है, मुझे ना जाके व्रत की तैयारियां करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। गाय को घास युग डाल देगा। मैं ना तकरीबन एक हफ्ता हो गया मेरे को ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरे पास तो फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं है ब्लॉग डालने के लिए, एक ही फ़ोन है, ये भी ख़राब हो गया था। बाकी बातें आपको घर में जाकर करती हूँ आपसे। मुआ वाले जा सारे पार, ए देख ए लगी खेल दे तेरे गंद। Thank you.
घर जाते जाते ये देखिए सनसेट हो रहा है, सनसेट की एक अच्छी सी झलक। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है।